सो वेलकम बैक टू डी अनदर वीडियो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई एम श्योर आप सब मस्त होंगे। तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फिनिक्स के टॉप मॉडल। जी हाँ गाइस, हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में इन्फिनिक्स के टॉप मॉडल इन्फिनिक्स सॉट 11S के बारे में। और गाइस साथ ही उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, उसके साथ ही उसका पूरा फुल रिव्यू देंगे आपको कि फ़ोन कैसा है, फ़ोन की क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, उसमें क्या क्या नए नए फीचर्स हैं। तो गाइस इस वीडियो में बने रहना और इस वीडियो को लाइक कर देना। और हमारे चैनल पर अगर आपने पहली बार विजिट किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो गाइस चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और इस वीडियो में अगर इसलिए आपको बोलना चाहूँगा, मेरे इंस्टाग्राम का यूजर नेम ऑफिशियल शिवम यदुवन से, जिसकी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर अपने भाई को फॉलो भी कर सकते हैं। तो बस चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम, आपसे देखना है टेक शिवम यूट्यूब चैनल। तो गाइस इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इन्फिनिक्स सॉट 11S के बारे में, और उसके साथ उसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, उसी के साथ उसका पूरा फुल रिव्यू देने वाला हूँ, उसके बताने उसके क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होने वाले हैं। और गाइस मैं आपको इसमें ये बताऊंगा बॉक्स को खोल के कि जो इसमें जो फ़ोन है आपको दिखता किस तरह है, उसमें क्या क्या जो नए नए फीचर्स हैं, उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या क्या है उस फ़ोन के बारे में। तो गाइस इस वीडियो को बने रहना और चलिए मैं खोलता हूँ इसका बॉक्स और आपको बताता हूँ इसका क्या क्या मतलब स्पेसिफिकेशंस होने वाला है, इसका फर्स्ट इंप्रेशन कैसे पड़ने वाला है, उसमें एंड्रॉइड वर्जन कौन सा होने वाला है, बॉक्स में हमको कौन कौन सी एक्सेसरीज मिल जाती है। तो गाइस इस वीडियो पर बने रहना और चलिए मैं इसका आपको बॉक्स को आपको ओपन करके बताता हूँ कि क्या क्या इसमें मिलने वाला है और क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस होने वाली है। तो गाइस चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो गाइस जैसा कि आप सब देख सकते हैं ये हमारा बॉक्स है, ये अनबॉक्सिंग के लिए आया है इन्फिनिक्स सॉट 11S, जैसा कि आप सब देख सकते हैं इधर फ्लिपकार्ट से। और गाइस ये अभी पूरा सील पैक है जैसा कि आप सब देख सकते हैं, और इधर देखिए इधर भी सील पैक है, इधर भी पूरा पैक है। तो गाइस चलिए इसे मैं फटाफट कट ऑफ करता हूँ आपके सामने। हमारा जो बॉक्स पूरा कट कर दिया, और जैसे कि इधर मैं खोल लेता हूँ इसे फटाफट, जैसे कि इसमें हम देखते हैं सबसे ऊपर तो रखा हुआ है हमारा बिल फ़ोन का, उसके बाद हमारा फ़ोन है। तो गाइस इसको मैं हटा लेता हूँ। बिल आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नेम एड्रेस वगैरह, बिलिंग एड्रेस, शिपिंग एड्रेस लिखा, प्राइस इसका इधर लिखा है 9000 का फ़ोन है, प्लस इसमें GST लगा है 1600 रुपये, टोटल में पड़ा है 11000 का। तो गाइस जैसे कि आप सब देख सकते हैं इन्फिनिक्स सॉट 11S ग्रीन वेव 64GB में, और इसका बिल है तो इसे हम साइड में रखते हैं। और उसके बाद मैं आपको फ़ोन दिखाता हूँ, जैसे कि इसका फ़ोन का बॉक्स में इसको निकाल लेता हूँ इधर, जैसे कि इसका मैंने निकाल दिया, ये हमारा फ़ोन इन्फिनिक्स सॉट 11S हीलियो G88 प्रोसेसर है इसमें। और जैसे कि इधर से देख सकते हैं हॉट 11S लिखा है, इधर इसके स्पेसिफिकेशंस वगैरह है मेड इन इंडिया, जैसे कि अभी मेड इन इंडिया फ़ोन है, मेड इन चाइनीज़ नहीं है। इधर इसका बार कोड है स्कैन वगैरह करने के लिए, इधर देख सकते हैं इसका IMEI नंबर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है, तो बॉक्स पे इसे लगा दिया जाता है कि कभी खोए ना। जैसे कि देख सकते हैं ग्रीन कलर का बॉक्स है इन्फिनिक्स सॉट 11S, इधर इसका IMEI नंबर है, और पीछे इसके कुछ फीचर्स है, स्पेसिफिकेशंस है। ये अभी 4GB प्लस 64GB में है हमारे पास अवेलेबल, तो इसका मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। तो जैसे कि इधर फीचर्स वगैरह तो इसको मैं बाद में आपको दिखाता हूँ। और जैसा कि इधर से गाइस आप देख सकते हैं इधर से पूरा सील पैक है, अभी इसे मतलब हमने ऑफ नहीं किया, कट ऑफ नहीं किया, इधर से भी पूरा सील पैक है। तो गाइस चलिए इसे मैं फटाफट खोल लेता हूँ। तो गाइस हमने बॉक्स कट ऑफ कर लिया, इसमें पन्नी हटा लेता हूँ फटाफट, जैसे कि मैंने पन्नी हटा लिया और बॉक्स को चलिए हम खोलते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या हमें एक्सेसरीज मिली है और इसमें क्या क्या चीज़ें मिली है हमें। जैसे गाइस अभी मैं इसको बॉक्स को ओपन कर ले रहा हूँ, इधर से गाइस ये हमारा बॉक्स ओपन हो गया। सबसे टॉप पे हमारा जो फ़ोन है इन्फिनिक्स सॉट 11S, जैसे कि देख सकते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस जो टॉप स्पेसिफिकेशन से लिखा है G88 90Hz वगैरह। और पीछे बैक आप देख रहे, बैक पैनल इसका बहुत ही लाजवाब है, 50MP इसमें कैमरा है, रियर कैमरा प्लस 18W का इसमें फास्ट चार्जर है, प्रोसेसर G88 है। और गाइस इधर देख सकते हैं इसका कैमरा बहुत बड़ा है 50MP का पीछे, साथ ही इसमें फिंगरप्रिंट आपको पीछे मिल जाता है। और गाइस इधर इसे हम रखते हैं साइड फ़ोन को और देखते हैं मैं बॉक्स में क्या क्या हमें चीज़ें मिली है। तो ऊपर का गाइस मैं साइड कर लेता हूँ, इसकी तो हमें कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद गाइस हमारा अडैप्टर है, जैसे कि आप देख सकते हैं इधर इन्फिनिक्स का अडैप्टर, प्लस फास्ट चार्जर है आपका 18W का, मेड इन इंडिया चार्जर है इन्फिनिक्स का, जैसे कि आप देख सकते हैं इधर 18W का फास्ट चार्जर में इसमें अवेलेबल हो जाता है बॉक्स में, आपको कहीं से अलग से बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो गाइस इसे भी हम रख देते हैं साइड, जैसे कि आप इधर देख सकते हैं ये इन्फिनिक्स का 18W फास्ट चार्जर आपको बॉक्स में अवेलेबल हो जाता है। अब इसके साथ ही हमारे पास है टाइप सी केबल, जैसे कि आप देख सकते हैं इधर हमें बॉक्स में ये भी अवेलेबल हो जाता है अडेप्टर के साथ ही, तो इसे भी हम साइड में रखते हैं। उसके बाद गाइस में ये आपको मिल जाता है सिम इजेक्टर टूल, तो पिन जो इसे तो हम साइड में रख देते हैं, इसकी भी हमें ज़रूरत बाद में पड़ेगी सिम वगैरह डालने के लिए। और इसमें एक अनोखी चीज़ मेरे को दिख रही है जो कि ये कुछ कार्ड्स है वारंटी वगैरह, या फिर ये वेलकम टू एक्स क्लब कार्ड लिखा है, ये किसी क्लब वाला का कार्ड है,
तो इसे भी हम अभी साइड में रख देते हैं। ये 1 रुपये का है शायद, या फिर 1-1 लिखा है इधर साइड में, वेलकम टू एक्स क्लब, को इनका क्लब होगा इन्फिनिक्स वगैरह का, तो उसके लिए है ये। तो इसे तो हम साइड में रख देते हैं, इसके बाद में हम यूज़ वगैरह करेंगे और देखेंगे इसको ढंग से। इसके उसके बाद गाइस हमें मिल जाता है इन्फिनिक्स का जो सर्विस केयर वगैरह है, कहाँ कहाँ इंडिया में अवेलेबल है और आपके सिटी में है या नहीं है, तो आप इधर पूरा इसे देख सकते हैं। ये वारंटी कार्ड है, इसको हम साइड में रख देते हैं। अगर इसमें कुछ यूज़र मैनुअल है कि मतलब फ़ोन कैसे चलाएं, या फिर बहुत सारी चीज़ें जो होती है हमें नहीं पता रहती है, तो इसी में वो है, इसे हम साइड रख देते हैं। और साथ ही हमें इसमें मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, टेम्पर्ड ग्लास इसमें मिल जाता है आपको, स्क्रीन प्रोटेक्शन, और इसको अभी आपको लगवाने की ज़रूरत नहीं। ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है यार कि मतलब इसमें मिल जा रहा है टेम्पर्ड ग्लास प्लस ट्रांसपेरेंट कवर, क्योंकि आजकल के जो फ़ोन आ रहे हैं अनबॉक्सिंग के लिए उसमें कुछ भी ऐसा नहीं मिलता है, सिर्फ अडेप्टर, आपको डाटा केबल मिलेगी, फ़ोन मिलेगा, बस यूज़र मैनुअल, इसी में इजेक्टर टूल, ख़त्म, उसके बाद कुछ नहीं मिलता। और इसमें तो गाइज आपको ट्रांसपेरेंट कवर भी है और साथ में आपका टेम्पर्ड भी है। तो गाइज अब देखते हैं हमारा जो फ़ोन है, जैसा कि आप देख सकते हैं फ़ोन तो बहुत ही लाजवाब है यार, मतलब कलर भी इसका कुछ ज़्यादा बेकार नहीं है, कलर भी सही है। और इधर देख सकते हैं नीचे आपका ऑडियो जैक है, प्लस आपका चार्जिंग केबल और स्पीकर है। और साइड में आप जैसे कि देख सकते हैं इसकी बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ही लाजवाब है, बॉडी स्ट्रक्चर भी आपका कर्व्ड है, पीछे से बैक पैनल जो इसका है वो कर्व्ड में है। और गाइस ये हमारा इन्फिनिक्स का फ़ोन है, इधर साइड में इसके बटन है, पावर बटन वगैरह, स्विच बटन सब, पीछे फिंगरप्रिंट और कैमरा, जैसे कि देख सकते हैं क्वाड कैमरा इसमें आपको अवेलेबल हो जाता है, साथ ही फ्लैश लाइट बहुत बढ़िया अवेलेबल हो जाती है, जैसे देख सकते हैं इन्फिनिक्स में 4GB रैम प्लस 64GB में हमारे पास अवेलेबल है। तो भाई इसे भी हम फटाफट हटा लेते हैं पन्नी को, उसके बाद मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या वो है, अंदर का क्या क्या इसमें फीचर्स हमें मिला है। तो भाई इसे मैं ओपन कर लेता हूँ फटाफट। सो गाइस जो हमारा फ़ोन है यहाँ से पूरा खुल गया, तो इसके मैं सेटअप कर लेता हूँ फटाफट। बस हमारा जो फ़ोन का फुल्ली सेटअप पे हो चुका है, मैं इसमें आपको सेटिंग में जाकर आपको दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशंस वगैरह है, क्या क्या इसके फीचर्स है माय फोन में, आप में आ गए। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे जो इसका स्पेसिफिकेशन से फीचर वो दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी जो रैम है 4GB है, और जो आपकी जो रोम इसमें मिल जाती है, जो सपोर्ट मेमोरी मिलती है आपको 64GB, और प्लस जो इसका फ्रंट कैमरा है वो 8MP का है, जो बैक कैमरा है रियर कैमरा 50MP का है, ट्रिपल कैमरा। अगर इसमें जो प्रोसेसर है हीलियो G88, और बैटरी जो इसकी है वो 5000mAh की बैटरी है, प्लस 18W फास्ट चार्जर आपको मिल जाता है बॉक्स में। और गाइस इसके जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो 1080x2460 आपको मिल जाता है, और साथ ही गाइस में आपको एंड्रॉयड 11 का जो टॉप वर्जन है आपको इसमें मिल जाता है फ़ोन में। और गाइस वीडियो में बढ़ते हैं आगे, मैं आपको बताता हूँ कि इससे कैप्चर की गई इमेजेस की क्वालिटी क्या है, इसकी कैमरा क्वालिटी क्या है। तो गाइस चलो वीडियो में बढ़ते हैं आगे, मैं आपको दिखाता हूँ इससे कैप्चर की गई इमेजेस। तो गाइस वीडियो कैसी लगे हमें कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल टेक्शन को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।